अब नया सामान डलेगा सारा का दारा, और फिर बताते हैं भाई बाइक चलाने में कैसी लग रही है। ये पढ़ाए दो का बड़ा इसका। तो भाई कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज जा रहे हैं शोरूम, और शोरूम जाने की वजह भाई थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने मैं क्यों जा रहा हूँ। तो भाई अपनी बाइक है ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है भाई। आरपीएम देखो और बाइक की स्पीड देखो, आरपीएम हाई है, ऐसा लगता है जैसे बाइक की क्लच प्लेट उड़ गई हो, लेकिन क्लच प्लेट नहीं उड़ी है भाई। इसमें एक उन लोगों ने छोटी सी भूल कर दी, और उस भूल की वजह से बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा आगे रुक कर बताऊँगा आपको क्या भूल करी है उन लोगों ने। और भाई आप ऐसा कुछ भी है ना बिल्कुल आगे से अगर करो तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो वो क्या उन लोगों ने क्या गलती कर दी है तो मैं आपको बताता हूँ उन लोगों ने क्या गलती की है। उन लोगों ने जो इसका चैन सेट होता है वो दूसरी बाइक का डाल दिया। आप बोलोगे भाई दूसरी बाइक का कैसे आ सकता है, तो भाई इसमें डाल दिया उन्होंने MT15 का डाल दिया है चैन सेट, क्योंकि चैन सेट MT का पीछे वाला स्पोकेट थोड़ा बड़ा होता है तो वो इसमें फिट आ जाता है, तो वो उन लोगों ने वो डाल दिया है। लेकिन गाड़ी का पिकअप तो बड़ा है, लेकिन गाड़ी को चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, ना ही गाड़ी भाग रही है, और गाड़ी का माइलेज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। तो मैं थोड़ा आगे रुक कर दिखाता हूँ आपको कि बाइक में क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है मुझे चैन सेट चेंज कराने की वजह से। भाई नंबर एक तो इसका जो टॉप एंड था वो बिल्कुल कम हो गया है, पहले मैं बाइक को 143, 45, 44 बल्कि 48 तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब 135 के बाद है ना इसमें लिमिटर आ जाता है 6th गियर में, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो भाई ये वाला है। और दूसरा भाई माइलेज का भी मान सकते हो, माइलेज का भाई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन टॉप एंड का इशू बन जाता है, वो बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि भाई पिकअप तो हाई हो जाता है लेकिन गाड़ी को भगाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा जो कि पहले आ रहा था। तो आज हम जा रहे हैं शोरूम और यही सब दिखाने वाले हैं, और हो सकता है भाई चैन सेट दूसरा भी डलवा लें, और हो क्या सकता है भाई चेंज ही कराना है, अब तो थोड़ा नुकसान तो होगा लेकिन भाई हमें बाइक में मज़ा चाहिए, और थोड़ा छोटे छोटे काम है बाइक में वो भी आज करा लेंगे। ओ भाई देखो ये जो इसका पीछे वाला स्पोकेट है ये डाल दिया उन लोगों ने बड़ा, तो कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये है MT15 का जो कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है लोगों ने, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी का टॉप एंड बिल्कुल नहीं जा रहा है और गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो आज इसी को चेंज कराने वाले हैं, शोरूम चलते हैं, शोरूम में जाकर भाई ये चेंज कराना है जल्दी से, और इसकी वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो रहा था मेरे को बाइक चलाने में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था भाई जैसे बाइक के है ना क्लच प्लेटें चली गई हो। देखो भाई पिकअप तो तेज़ हुआ है, पिकअप तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन बाइक है ना बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे चली जा रही है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, बस खाली आरपीएम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी का ऐसा लग रहा है भाई क्लच प्लेट उड़ गई है। तो जल्दी से शोरूम पहुँचते हैं, और शोरूम पहुँचने के बाद कराते हैं चैन सेट चेंज। क्या बात है भाई, भाई जब भी बोलता हूँ भाई आरपीएम कितने ज़्यादा पहन क्यों है। ये देखो गाड़ी अपनी लग चुकी है, और फैजान भाई से इस पॉकेट की वजह से बताओ कितनी परेशानी फेस करनी पड़ रही थी, टॉप एंड ख़त्म, गाड़ी का माइलेज ख़त्म, और भाई चलाने में बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा था। हाँ व्हीली व्हीली हमें मारनी नहीं है, ये देखो स्पॉकेट कितना ज़्यादा बड़ा है, ये स्पॉकेट है MT15 का, और भाई जैसे कि चेंज हो जाएगा, प्लस अपना मरगार्ड भी चेंज होना है आगे वाला जो भाई टूट चुका है, यहाँ से खटर पटर की आवाज़ें कर रहा था, और जैसी गाड़ी ठीक हो जाएगी अपने मिलेंगे बाहर और बताएंगे भाई चैन सेट चेंज कराने के बाद अपनी गाड़ी में कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसे दलाने के बाद तो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था, लगभग अभी 6-7 दिन ना होंगे इसे दलवाए हुए चैन सेट को, लेकिन कोई मज़ा नहीं है। तो ये पढ़ाए दो का बड़ा इसका। अपनी गाड़ी पर हो रहा है भाई ग्लेंडर से काम, कहीं व्हील ना काट दे भाई।
तो ये देखो भाई हो रहा है गिलेंडर से काम अपनी बाइक में। देखो यार कितनी बड़ी दिक्कत है, लॉक ना होता है क्या इसमें? यही है वो इंसान जो गाड़ियों की चेन काटता है, यही है वो खुगार इंसान जो गाड़ियों की चेन काटता है। तो भाई देखो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या थी, ये देखो ये इसका ओरिजिनल वाला जो है इतना छोटा है और ये एमटी वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसी की वजह से पिकअप तो बढ़ गया था लेकिन टॉप एंड गाड़ी का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, प्लस माइलेज भी नहीं दे रही थी। तो अब चैन सेट चेंज कराते हैं, ये हमारे मिस्त्री साहब चेंज कर रहे हैं और दो दो हैं भाई, तो दो दो लग रखे हैं और तीसरे ये खड़े, इतू सा सामान है और मतलब पीछे वाले डिस्पैड और कितने के हैं चेक करो, 995 रुपये के भाई, इसमें कोई लेस नहीं है, जो MRP उसी पे पैसा लिया जाएगा। लो सर, और ये अपना स्पोकेट चेंज हो गया है, ये पड़ी है चैन और नया वाला चैन सेट है भाई, बिल्कुल अभी पढ़ाया था मैंने, ये इसे लगा कर ना मैंने गाड़ी हद से हद 100 नहीं चलाई होगी क्योंकि भाई मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो अपनी गाड़ी होने वाली है तैयार और काफ़ी गंदी है, हो सकता है इसको अभी धुलवाएं, और ये मडगार्ड चेंज कराना है, डिस्पैड भी चेंज हो चुके हैं और चैन सेट भी चेंज हो गया, ये बड़ा चैन सेट, अब नया सामान डलेगा सारा का दारा और फिर बताते हैं भाई बाइक चलाने में कैसी लग रही है। तो अनबॉक्स करो भाई फैजान भाई से, बिल्कुल कर दो अभी हाथों हाथ, हाँ ये लो अल्तू लो। इतनी छोटी चीज़ इतने बड़े डिब्बे में, दबी तो 1600 रुपये हैं। लो भी फैजान भाई निकालो मसले को, वो भी देखो ये मडगार्ड टूटा हुआ है, खाली एक नक्के के लिए चेंज हो रहा है, ये वाला नक्का टूटा हुआ था, लो लगाओ भाई। तो फाइनली अपनी बाइक में सारा काम हो चुका है और चैन सेट वैन सेट, बाइक हो रही है गंदी क्योंकि भाई धुल नहीं पाई, और हाँ भाई अब थोड़ी रेस देने पे पता चल रहा है गाड़ी आगे की साइड भाग रही है। हाँ भाई चैन सेट चेंज कराती भाई, लगने लगा है जैसे कि बाइक में पावर तो नहीं बोलूँगा लेकिन स्पीड थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि पावर तो कम ही होगी। क्या बात है भाई, बहुत ओसम यार, मज़ा आ गया जी। RPM बहुत हाई जा रहे थे बाइक के लेकिन बाइक भाग नहीं रही थी, तो अब अपनी बाइक भागने भी लगी है, मतलब स्पीड टॉप एंड अच्छा हो गया और गाड़ी को चलाने में भी अपना अलग ही फील आ रहा है। तो अब चलते हैं भाई घर, आज का वीडियो भाई यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जाम के साथ।